सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें मैं सारी जिंदगी मेरी तकरीर कोई बंदा नहीं कह सकता मैं किसी काफिर की तारीफ की हो या उन्होंने मुल्क की तारीफ की हो या उन्होंने रोटियां की तारीफ की हो या उन्होंने सड़कों की तारीफ की हो मेरी तकरीर कोई नहीं कह सकता मैं आज तक किसी काफिर को मुतासर नहीं होया। हाँ रसूलुल्लाह दी उस मुबारक ऊंटनी दे पेशाब तो जरूर मुतासर होया जिन्हें रसूलुल्लाह नूं उठा के काबे दा तवाफ करवाया। ना जी मैं बिल्कुल है तुहाडे सामने गल मेरी तकरीर कोई बंदा ले आएगा तो मैं उहदी कफारा भी अदा करांगा। काफरां दी तारीफ च फलां काफिर ये कहता है फलां अंग्रेज ये कहता है फलां अंग्रेज ये कहता है मैं तो अंग्रेजों की बात करता है ये बता सिद्दीक अकबर क्या कहते हैं क्या जी हजरत उमर क्या कहते हैं उस्मान गनी क्या कहते हैं हैदर करार क्या कहते हैं अबू हुरैरा क्या कहते हैं बिलाल क्या कहते हैं क्यों जी अब हम दलील देने लगा ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दा झलझड़ हजरत उमर दे पुत्र इन्हां दे पुत्र दा नाम सी बिलाल। एक शायर आया इब्ने माजे शरीफ की हदीस है एक शायर आया तुहानूं पता है शायर जबान की कमाई खांदे ने शायर वो कहन लगा बिलाल अब्न अब्दुल्ला खैरो बिलाल उनके वाजी वाह अब्दुल्ला बिन उमर दा पुत्र ते उमर दा पोतरा इसकी क्या ही बात है ओ बड़ी शायब जी इधर उमर दा पुत्र पोतरा भी है ते नाल अब्दुल्ला बिन उमर दा पुत्र भी है ते हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहन लगा कज़बता फरमाया कूड़ न मार झूठ न मार ला बल बिलाल रसूलुल्लाह खैरो बिलाल उस बिलाल की बात कर जो मोहम्मद अरबी का गुलाम था हमारी बात क्यों करता है अपने अपने पुत्र की तारीफ भी नहीं सुनी फरमाया उस बिलाल की बात कर जो मोहम्मद अरबी का मौज़िन था उसकी बात कर। मैं इस काफरां दी तारीफ करके फला अंग्रेज ने हुजूर के बारे में लिखा अंग्रेज हुजूर के बारे गल लिखी तो फिर हुजूर की शान इहदे नाल वध गई हद हो गई तेरी बात होते कहां खलीलो बिना काबा ओ मिना लौलाद वाले साहिबी सब तेरे घर की है और मौला ऐसे गल कर कि होवन हैदर करार ते नमाज दे असरार और रमूज तो भी वाकिफ होवन ते दीगरी दी नमाज दी अहमियत तो भी वाकिफ होवन और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज इत्थे गल कर हां अली होवन ते हुजूर दी नींद उते नमाज वार दे ना इत्थे गल कर अली ते फिर नमाज असर होवे ते फिर अली होवन ते फिर इंज भी ना करन ताकि हुजूर जाग पर मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर जो सबसे आला खतर की है बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फरूज़े गुरर की है सब तो बड़ा फर्ज थे जान बचाना है ना सिद्दीक अकबर वो भी दे देता है ना क्या नमाज दे देती ना जान दे देती हाँ तूने इन्हें जान दी इन्हें फेर दी नमाज पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर मैं आज तक की वजाहत नहीं की थी असलुल उसूल बंदगी मैं करा लग जाना जनाब सारी दुनिया के छक्के छोड़ जाओ इस लफ्ज़ दी इमाम अहमद असलुल उसूल बंदगी उस्ताद असलुल उसूल सब तो वड्डा जड़ा उसूलां विच भी सब तो वड्डा असल के सारे फर्जा विच सब तो वड्डा फर्ज जड़ा वो हुजूर नु खुश करना इस वास्ते मौला अली नमाज वार दी ते सिद्दीक अकबर जान वार ते अब हजरत कतादा अख अगे कर दी मैदान ओहदे तीर आ रहा गुमनाम फरमाते टाइम कोई नहीं सी एक सेकंड का ही फर्क सी मैं हाथ करता तो मुमकिन है तीन तीर हुजूर और चला जाता उन्हें मुंह अगे कर देता आप दी अख निकल गई ऐ कोई समझो इस नामू से रिसालत के एहसास मसले नूं कुछ समझो अस एवें तुहाडे नाल नहीं लगे होए ते ना असीं कोई वोटां वास्ते तुहाडे कोल पै फिरने आ ए नहीं दसते भाई वो डेला निकलिया एवं थोड़ा लुकदे लुकदे थोड़ा तीर पड़ो हां एवं खुफिया आके कोई तीर लग गया फरमाते मैं खुद मुंह अगे कीता हां मैं क्या कहने नहीं मैं क्या मेरा हाथ उठन तक जो तीर हुजूर तक चला गया तो क्यामत तक लोग कहना ओए अबू ओ कतादा और तू मुंह बचा दे रहा तू मुंह अगे क्यों नहीं कीता और केड़ा भार आ जड़ा नहीं चाया सहाबा ने हाँ हाँ दस्यो जड़ा भार कोई दुनिया का भार लियाओ जड़ा सहाबा नहीं चुकया अपने मोढ़े ते हुजूर दे सत ना जान मुंह अगे कीता अगे मुंह कर दे हां जी ये आखिरी तो मुंह ही होंदा ना गल करनी तो बड़ी आसान होंदी है